नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास में बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर, हमने हमारा इंस्टेंट पैन कार्ड बना लिया है, ई पैन कार्ड बना लिया है और ये ई पैन कार्ड अब हमारे बायपोस्ट पते पर नहीं आ रहा है, हमें ये ई पैन कार्ड फिजिकली नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों, मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इंस्टेंट पैन कार्ड बनाते हैं, ई पैन कार्ड बनाते हैं, तो ये पैन कार्ड कभी भी आपके आधार पते पे सेंड नहीं किया जाता, ये पैन कार्ड कभी भी आप फिजिकली नहीं मिलता, इस पैन कार्ड को आप मात्र वर्चुअली ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने भी अपना ई पैन कार्ड बना लिया है, इंस्टेंट पैन कार्ड बना लिया है, तो इस इंस्टेंट पैन कार्ड को आप किस प्रकार अपने फिजिकल पते पे मंगवा सकते हैं, किस प्रकार अपने बायपोस्ट पते पर मंगवा सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ई पैन कार्ड किस प्रकार बनाया जाता है तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ई पैन कार्ड पे एक वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो के में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डेडिकेट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि आपका ई पैन कार्ड आपको फिजिकली किस प्रकार मंगवाना है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, इतने अच्छे और जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ई पैन कार्ड को फिजिकली मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने गूगल ब्राउजर में ई फाइल लिखकर सर्च कर सकते हैं। यह प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है वेरीफाई योर पैन, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ई पैन कार्ड को फिजिकली मंगवाने के लिए सबसे पहले आपके जो पैन नंबर हैं वो पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद में आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो कंप्लीट फुल नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाएगी, तो उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करके सिंपली हमें वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ आ जाएगा पेन इज एक्टिव एंड डिटेल एज पर पेन, सिंपली आपको यहाँ पर गो होम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो लिंक दिए हुए हैं, एक NSDL पैन कार्ड का और दूसरा UTI पैन कार्ड का। ये दो एजेंसियाँ हैं जो पैन कार्ड करेक्शन और पैन कार्ड बनाने का या फिर पैन कार्ड प्रिंट करने का काम करती है। अगर आप UTI के थ्रू अपना पैन कार्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप UTI वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप NSDL और अगर आप NSDL एजेंसी के द्वारा अपना पैन कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, फिजिकली पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो आप NSDL वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने NSDL पैन कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करके NSDL की ऑफिशियल साइट पर हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। आप जैसे ही NSDL वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भी कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद में सिंपली आपको वापस से यहाँ पर अपने पैन नंबर फिल करना है और आपके जो आधार कार्ड नंबर हैं वो आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में जो मंथ है वो मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपनी ईयर जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें फिल कर दी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद में इनकी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, ये कैप्चर कोड आपको फिल करना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर। आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पैन कार्ड की सारी डिटेल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपके पैन नंबर, आपके मोबाइल नंबर, आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी, यहाँ पर सब कुछ आपकी पैन की जो डिटेल है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। पैन डिटेल खुलने के बाद में सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बोथ। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है जो पैन कार्ड आप फिजिकली मंगवा रहे हैं,
ये पैन कार्ड क्या वाकई में ही आपका है या किसी और का है? अगर आपका ये पैन कार्ड है तो सिंपली आप यहाँ पर ईमेल आईडी से अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपली अब हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और इनकी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हम जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो इस ओटीपी को आपको बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में सिंपली वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेमेंट मोड पर पहुंच चुके हैं। अपने पैन कार्ड को फिजिकली मंगवाने के लिए आपको यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज पे करने का मेथड आपके सामने आ चुका है। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट फॉर पेटीएम के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेटीएम पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डिक्स से पे करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और आपको 50 रुपये का चार्ज पे करवा देना है। आप जैसे ही 50 रुपये का चार्ज पे करवा दोगे तो आप देखोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है जनरेट प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। आप जो रिसिप्ट डाउनलोड करोगे वो कुछ इस प्रकार की होगी। इस रिसिप्ट में आपकी पैन की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी और ये रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ तक आ चुका है और ये पैन कार्ड आपको कब तक मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये पैन कार्ड जो फिजिकली पैन कार्ड है वो 7 से 8 दिन के अंदर आपके बाय पोस्ट पते पर पहुंच जाएगा, वहां से आप ये पैन कार्ड ले सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपने सीख लिया होगा कि आप अपना ई पैन कार्ड फिजिकली किस प्रकार मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई कंफ्यूज कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सभी का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और यहां पर साइड में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, इन पर भी क्लिक करके आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।